मैं निवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर से कार में सवार होकर मीरापुर लौट रहे मीरापुर के व्यापारी की कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में सवार व्यापारी की मां और पत्नी तथा पुत्री घायल हो गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को स्थानीय चिकित्सक के यहां पर भर्ती करा दिया। मीरापुर के पड़ाव चौक निवासी व्यापारी मोनू राजवंशी पुत्र सुशील राजवंशी शुक्रवार की शाम अपनी मां पत्नी और पुत्री के साथ मारुति कार में सवार होकर मीरापुर लौट रहे थे। जैसे ही इनकी कार मीरापुर मोंटी तिराहे पर पहुंची तो डिवाइडर पर डिफ्लेक्टर नहीं होने के कारण इनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। कार डिवाइडर से टकराते ही कार में सवार महिलाओं की चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और कार के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकालकर परिजनों को मामले की सूचना दी। दुर्घटना की सूचना पर घायल व्यापारी के परिजन और अन्य व्यापारी मौके पर पहुंचे तथा घायलों को आनन फानन में मीरापुर के चिकित्सक के यहां पर भर्ती कराया। नागरिकों का आरोप है कि मोंटी तिराहे पर डिवाइडर तो बने हुए हैं, लेकिन इन पर डिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए हैं, जिसके चलते सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ जानसठ शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआई इंतजार अहमद को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक युवक 3 पेटी शराब लेकर जा रहा है, जिस पर तुलहड़ी गाँव निवासी कपिल पुत्र रविन्द्र को शराब की तस्करी करते पुलिस ने गाँव के निकट से 3 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। रामनाथ थाने में पिछले कई वर्षों से खड़े 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की नीलामी कराई गई। नीलामी सर्वाधिक बोलीदाता के नाम छोड़ी गई। गुरुवार को थाना रामराज पर 39 2 पहिया व 14 4 पहिया वाहनों की नीलामी नायब तहसीलदार जानसठ व रामराज थाना अध्यक्ष अक्षय शर्मा की देखरेख में शुरू हुई। नीलामी प्रक्रिया में 71 बोलीदाताओं ने भाग लिया, जिसमें सर्वप्रथम 39 2 पहिया वाहनों की जिनकी न्यूनतम धनराशि 1,51,000 रुपए से शुरू हुई, जिसमें कई बोलीदाताओं ने प्रतिस्पर्धा के चलते बढ़ चढ़ कर बोली लगाई, जिसमें सर्वाधिक बोली 1,66,000 व 18% जीएसटी अतिरिक्त के तहत देवबंद निवासी सलीम पुत्र इस्लाम ने लगाते हुए 2 पहिया वाहनों की नीलामी अपने नाम करा ली। वहीं दूसरी नीलामी 4 पहिया वाहनों की न्यूनतम धनराशि 3 लाख रुपए से शुरू हुई। 4 पहिया वाहनों की बोली बढ़ते हुए 4,22,000 तक जा पहुंची, जिस पर यह नीलामी सर्वाधिक बोलीदाता 4,22,000 व अतिरिक्त 18% जीएसटी के साथ सलीम पुत्र इस्लाम निवासी देवबंद के नाम कर दी गई। वहीं तीसरी नीलामी ट्रकों की होनी थी, किंतु बोलीदाता न मिलने के कारण यह नीलामी स्थगित कर दी गई। नीलामी प्रक्रिया के दौरान सोनू, शारिक, सलीम, सुभान आदि दर्जनों कबाड़ी मौजूद रहे। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ जानसठ शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत रामराज पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को दबिश के दौरान घर से गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया। रामराज थाना अध्यक्ष अक्षय शर्मा ने बताया कि सोनू पुत्र बलदेव निवासी भूमिया फार्म काफी दिनों से शराब के एक मामले में वांछित चल रहा था, जिसके चलते रामराज पुलिस द्वारा दबिश के दौरान आरोपी युवक को घर से गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमले ने सक्रियता बरतना शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह बस स्टैंड, कमलियान, मदान चौक, सराय गेट आदि जगहों पर अतिक्रमण हटवाने के लिए पहुंचे। पुलिस को देखते ही दुकानदार सामान हटाने लगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमणकारी को चिन्हित किया। उन्होंने अतिक्रमण को तत्काल हटा लेने की चेतावनी दी और कहा कि किसी भी दशा में सड़क पटरियों सहित नालों पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए व्यापारियों के लिए जमीन का अलॉटमेंट कर व्यवस्था दिलाएं। इस दौरान इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह ने दुकान आगे कर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी कि अगर कोई भी दुकानदार दुकान के आगे अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव और सीओ जानसठ शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में काफी समय से न्यायालय से गैर हाजिर चल रहे पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले में नयागांव निवासी सीताराम और उसका पुत्र सचिन पिछले काफी समय से न्यायालय में पेश नहीं हो पा रहे थे, जिस पर न्यायालय ने दोनों के वारंट जारी कर दिए थे। पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को घर से गिरफ्तार कर उनको न्यायालय पेश कराया।